अच्छा एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उन बेचारों के पास बचा क्या है? वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों की एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बताओ डाकू खत्म हुए कि नहीं हुए? आज डकैत समस्या का अता पता नहीं है और अपना दतिया जो कभी कस्बा कहलाता था आज शानदार महानगर बन गया है। एक बार ताली बजा के नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई। देखो विकास ऐसे नहीं होता। मैं आज आपको राज बताता हूं, हर कैबिनेट की बैठक के पहले प्लानिंग, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिजिक्स कॉलेज, हवाई पट्टी और मैया का लोक, एक एक चीज की बारीक प्लानिंग करना और उसको इंप्लीमेंट करना और फिर दतिया के स्वरूप को बदल के रख देना। बताओ जैसी दतिया नरोत्तम मिश्रा ने बनाई कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? और आप देखो जब कांग्रेस जीतती है वह केवल तबाही और बर्बादी होती है। और इसलिए आज मैं अपने मित्र भाई नरोत्तम मिश्रा को दतिया के विकास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों, जनता में यह संदेश पहुंचाना पड़ेगा और वो संदेश बूथ का कार्यकर्ता ही ले जाएगा। जब विकास बहुत होने लगता है, कितने गांव रह गए थे सिंचाई में? बीच में 35 गांव। सब मैंने लगन देखी थी कि चाहिए 35। कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए, हम फिर से छुड़ा लाए। हम छिंदवाड़ा खड़ी कर रहे थे, वो छुड़ा छुड़ा के ले जाते। अच्छा एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ रोते का मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब मैं आज पूछ रहा हूं कांग्रेस बताए मामा के पास पैसा कहां से आए? मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है, जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 63 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराएगी। उन बेचारों के पास बचा क्या है? वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं।